नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। लेकर नेहरू युवा सामाजिक समरसता सेवा समिति द्वारा कोविड 19 के वैश्विक महामारी प्रभाव से हुए लॉकडाउन 1 के समय से ही जरूरतमंदों की लगातार मदद करती आ रही है। कभी ऐसे परिवारों की मदद जिनके घर चूल्हा नहीं जल रहा था, तो कभी सड़क पर निकले प्रवासी मजदूर जो भोजन पानी के लिए तड़प रहे थे, तो कभी कम्युनिटी को जागरूक करने का काम, तो कभी सरकारी योजनाओं में पात्र लोगों को उनका हक दिला दिलाना, तो कभी अन्नपूर्णा बैंक में राशन देने का काम इस तरह का कार्य समिति लगातार कर रही है। इस कार्य में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भारत पुनरुत्थान अभियान एवं साथी मऊ के साथ ही तमाम ऐसे लोगों का साथ मिलता रहा जो अपने देश के पीड़ित लोगों की मदद करना चाह रहे थे। उनके सहयोग से लगातार प्रभावित लोगों की पीड़ा कम करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में अनलॉक वन में ऐसे परिवारों की पीड़ा कम करने की पहल कर रहे हैं जिन परिवारों को चलाने की जिम्मेदारी विधवा महिलाओं एवं दिव्यांगों की है। ऐसे चिन्हित परिवारों को यथासंभव राहत सामग्री या तो उनके घर या किसी निश्चित स्थान पर बुला करके दी जा रही है। साथ ही कोविड 19 सेकंड बचा एवं सरकारी योजनाओं के बारे में भी उन्हें जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में कल रतनपुरा ब्लॉक के अडीहा ग्राम पंचायत की 10 विधवा महिलाओं को राहत सामग्री वितरित की गई, जिसमें मुख्य रूप से संस्था के महासचिव शेर नारायण, पारसनाथ गिरी, गोपाल शुभम आदि शामिल रहे।